हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और इस वीडियो में आपके सामने है महिंद्रा एक्सयूवी 300 2023 मॉडल। एक्सयूवी 300 भी अपने आप में बढ़िया गाड़ी है, मार्केट में सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह बना रखी है। और इसी सेगमेंट में मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सोन से इस गाड़ी की कड़ी टक्कर होती है। खैर, मारुति ब्रेजा या टाटा नेक्सोन जितनी ये गाड़ी नहीं बिक पाती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस गाड़ी को पसंद करते हैं। और जो प्राइस है वो भी एक्सयूवी 300 के कई सारे मॉडल्स पे कम हो गए हैं। W4 वेरिएंट में जो प्राइस है वो बढ़ा भी दिए गए हैं। तो आज की वीडियो में इसी गाड़ी का रिव्यू करेंगे। एक्सयूवी 300 का W6 डीजल वेरियंट आपके सामने है। क्या कुछ फीचर्स आपको मिलते हैं, क्या ऑन रोड प्राइस है, सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। फीचर्स की अगर बात करें और फ्रंट से शुरू करें तो हेलोजन हेडलाइट आपको मिलती है, उसी के पास में टर्न इंडिकेटर प्लेस किया गया है। जो LED DRLs हैं या फोग लैंप हैं वो इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। लोअर ग्रिल पूरी ब्लैक कलर के साथ में मिलती है। जो मेन ग्रिल है वो सिल्वर इंसर्ट के साथ में आपको मिलती है। महिंद्रा का नया लोगो फ्रंट में दिया गया है। ओवरऑल अगर फ्रंट से देखें तो भाई देखने में अच्छी लुक आती है, लेकिन लुक्स के मामले में सबकी पसंद अलग अलग होती है। फ्रंट और साइड का जो कंबाइन लुक है वो आप यहां से देख सकते हैं। साइड में आए तो 16 इंची के स्टील व्हील और व्हील कवर के साथ में इस गाड़ी में टायर्स मिलते हैं। बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है। 180 mm की बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ABS, EBD और कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल के साथ में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स दिए गए, तो ये काफी अलग चीज आपको एक्सयूवी 300 में मिलती है। टर्न इंडिकेटर W6 वेरिएंट में भी फेंटर पे ही आपको मिलेंगे। बॉडी कलर में ही जो डोर हैंडल्स हैं और ORVMs विम्स हैं वो गाड़ी में आपको मिलते हैं। रूफ रेल्स मिल जाती हैं, साथ ही साथ जो पावर एंटीना है वो भी गाड़ी में आपको मिल जाता है। साइड और रियर का जो कंबाइन लुक है अगर वो भी देखें तो देखने में भाई बढ़िया लुक आती है, लेकिन वही बात है कि हो सकता है किसी को ये गाड़ी पसंद आए किसी को ना आए, क्योंकि लुक्स के मामले में सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। LED टेल लाइट आपको मिलती है और एक बढ़िया सा जो डिज़ाइन है वो ऑन रोड अगर आप देखते हैं रात वगैरह में तो इस गाड़ी में आपको लग सकता है। रिफ्लेक्टर्स नीचे प्लेस किए गए हैं और जो दो पार्किंग सेंसर हैं वो भी गाड़ी में मिल रहे हैं। स्किड प्लेट ब्लैक कलर के साथ में ही दी गई है। कोई भी रिवर्स कैमरा इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। और इस गाड़ी का जो प्रॉपर रियर लुक है वो आप यहां से देख सकते हैं। ब्लैक कलर में बढ़िया जो गाड़ी है वो भाई जमती है। चाबी की अगर बात करें तो लॉक अनलॉक और बूट अनलॉक बटन के साथ में रिमोट कंट्रोल फ्लिप की आपको मिल जाती है। इंटीरियर देखें तो डुअल टोन के साथ में गाड़ी में जो इंटीरियर है वो दरवाजे पे आपको मिल जाता है। ये पूरे दरवाजे की लुक आप यहां से देख सकते हैं। छोटा मोटा सामान रखने की जगह बोतल होल्डर और जो स्पीकर है वो दरवाजे पे आपको मिल जाता है। रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। चारों ही पावर विंडोज मिल जाती है। ड्राइवर विंडो वन टच डाउन फंक्शन के साथ में आपको मिलती है, लेकिन वन टच अप फंक्शन के साथ में नहीं मिलती है। पावर एडजस्टेबल ORVMs आपको गाड़ी में यहाँ पे मिल जाते हैं। ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स और जो स्मार्ट लॉक सिस्टम है वो आपको मिल रहा है। लॉक अनलॉक के जो बटन्स हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अंदर आए तो ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो W6 वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। केवल बैकरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट आगे पीछे कर सकते हैं। फैब्रिक में ही जो सीट हैं वाइट स्टिचिंग के साथ में वो इस वेरिएंट में आपको मिलती है। चौड़ी चौड़ी और जो ग्रिपेबल सीट्स हैं वो एक्सयूवी 300 में दी गई है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। डैशबोर्ड की जो लुक है वो भी आप यहां से देख सकते हैं, जो कि डुअल टोन में इस वेरिएंट में आपको मिलता है। ड्राइवर के राइट साइड में अगर आएँ तो लाइट के जो कंट्रोल्स हैं वो दिए गए हैं। आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये है इस गाड़ी का MID मीटर, सेमी डिजिटल MID मीटर दिया गया है। स्पीडोमीटर और RPM मीटर एनालॉग, उसके अलावा बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सेंटर में डिजिटली आप देख सकते हैं। जो ट्रिप वगैरह का कंट्रोलर है वो यहाँ सेंटर कंसोल पे आपको मिल जाता है, जिससे कि आप जो MID की डिटेल्स हैं वो आसानी से चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको टायर पोजिशन डिस्प्ले, साथ ही साथ टायर प्रेशर मॉनिटर का जो सिस्टम है वो भाई मिल जाता है। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, डिजिटल वॉच, डूर हजार वार्निंग जैसे जो फीचर्स हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। स्टेयरिंग पे आएँ तो साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल्स इस वेरिएंट में नहीं दिए गए। ड्यूअल एयरबैग के साथ में गाड़ी आती है और मोटा सा जो स्टेयरिंग है
वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। और इस गाड़ी में जो स्मार्ट स्टीयरिंग है वो आपको मिलता है, वो भी बताऊँगा कैसे। बाकी स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो आपको मिलता है 2D का ऑडियो सिस्टम, और जो कंट्रोल वगैरह है, बटन वगैरह है, वो स्टीरियो के चारों तरफ ही आपको मिलते हैं। और सेंटर में जो डिस्प्ले है छोटी सी, वो आपको मिल जाती है। राउंड शेप में बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। दोनों तरफ में एसी वेंट्स प्लेस किए गए हैं। और नीचे आए तो भी आपको काफ़ी सारे बटन्स यहाँ पे मिलते हैं। को पैसेंजर के एयरबैग को डीएक्टिवेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और स्टीयरिंग जो मैं स्मार्ट बता रहा था, उसमें आपको स्टीयरिंग मोड्स यहाँ पे मिल रहे हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और कंफर्ट। यानी कि जैसे ही गाड़ी स्पीड पकड़ती है तो उसमें आप स्टीयरिंग को लाइट या हैवी जैसा करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैक्स एसी का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिलता है। और सेंटर में बड़ा सा जो राउंड क्लॉक है एसी के लिए, फैन स्पीड के लिए, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। नीचे आएँ तो 12 वोल्ट का जो एसेसरी आउटलेट है वो गाड़ी में आपको मिल जाता है। यूएसबी और ऑक्स का जो पॉइंट है वो भी गाड़ी में दिया गया है। फोन वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये वेरिएंट है। पीछे देखें तो 2 कप होल्डर्स और 1 बोतल होल्डर गाड़ी में आपको मिल जाता है। नॉर्मल ग्लोबॉक्स आपको मिलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऊपर भी फ़ोन वगैरह रखने की जो जगह है वो यहाँ पे आपको मिलती है। मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM गाड़ी में मिलता है। सनग्लास होल्डर मिल जाता है। और जो कैबिन लाइट है वो यहाँ फ्रंट में आपको मिल जाती है। इस वेरिएंट में सनरूफ भी आपको मिल रही है, जो कि वन टच ओपन वन टच क्लोज फंक्शन के साथ में आपको मिलती है। नॉर्मल साइज की सनरूफ है, जो कि नेक्सोन या ब्रेजा में आपको मिलती है। उतनी ही एंटी पिंच फीचर के साथ में XUV300 में आपको मिल जाती है। साथ ही साथ जो टिल्ट फंक्शन है वो भी सनरूफ में आपको मिल जाता है। यानी कि अगर आपको सनरूफ चाहिए तो W4 वेरिएंट में भी अब जो ऑप्शन है सनरूफ का वो महिंद्रा ने दे दिया है। और W2 एक नया वेरिएंट यहाँ पे निकाल दिया है। वैनिटी मिरर को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे आपको मिल जाता है। फ्लिप कवर और लाइट के साथ में फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं। और पीछे केबिन में भी जो लाइट है वो आपको मिल रही है। हेड रूम का कोई ऐसा इश्यू XUV300 में आपको नहीं होता है। ये था XUV300 के W6 वेरिएंट का फ्रंट केबिन। रियर में देखें तो डुअल टोन का इंटीरियर, पावर विंडो का कंट्रोल, बोतल होल्डर, स्पीकर वगैरह आपको दरवाजे पे मिल जाते हैं। और ये है गाड़ी की रियर सेटिंग। 5-star सेफ्टी के साथ में गाड़ी आती है। और आराम से सेफ्टी का आनंद आप पीछे वाली या आगे वाली सीटों पे बैठ के ले सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट या कप होल्डर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। 60-40 की जो स्प्लिट सीट है वो गाड़ी में मिल रही है, लेकिन जो रियर पार्सल ट्रे है वो इस वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलती है। बैठ के देखें तो 6 feet हाइट के हिसाब से XUV300 में बढ़िया स्पेस आपको मिल सकता है। कोई ऐसा इशू आपको नी रूम वगैरह में नहीं होगा। जो लेग रूम है वो भी बढ़िया आपको मिल रहा है। थाई स्पोर्ट भी अच्छा खासा गाड़ी में आपको मिल जाता है। और 3 लोग अगर नॉर्मल साइज के हैं तो बड़े आराम से गाड़ी में बैठ सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी हैं तो 2 लोग और 1 बच्चा आराम से पीछे बैठ सकता है। रियर एसी वेंट वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। रियर सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो आप यहाँ से इस गाड़ी की देख सकते हैं। बूट की बात करें तो रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में पावर बूट आपको मिल रहा है, लेकिन बूट स्पेस केवल 257 लीटर्स का ही इस गाड़ी में मिलता है, जो कि सब 4 meter कॉम्पैक्ट SUV के हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम फील होता है। फोल्डेबल बूट फ्लोर आपको गाड़ी में मिल जाता है। और बूट फ्लोर के नीचे आपको मिलता है 16 इंच का स्पेयर व्हील, जो कि ब्लैक कलर का स्टील रिम है और बाकी के टायर्स के जैसा ही आपको मिलता है। तो जो बूट स्पेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत इस गाड़ी के लिए जरूर करता है जब लोग गाड़ी खरीदने जाते हैं। इंजन की अगर बात करें तो XUV300 के डीजल वेरिएंट में 1497 cc, 115 bhp, 300 Nm टॉर्क और 20 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज के साथ में 4 cylinder 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड CRDI डीजल इंजन आपको मिलता है, जो कि बढ़िया पावर गाड़ी को दे देता है। परफॉर्मेंस XUV300 में ज़बरदस्त आपको मिलती है। कोई ऐसा इश्यू आपको नहीं होता है। जो बोनट डैम्पिंग वगैरह है वो भी गाड़ी में आपको मिल जाती है। और 5-star की जो सेफ्टी है वो इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो महिंद्रा XUV300 W6 डीजल वेरिएंट की जो एक शोरूम प्राइस है वो है 11 lakh rupees, क्योंकि 3,000 rupees इस वेरिएंट पे भी कम हो चुके हैं। और ऑन रोड ये गाड़ी आपको पड़ती है लगभग 13,10,000 rupees की। तो अगर आपका भी इतना बजट है और डीजल में गाड़ी लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं।
और जो प्राइस कम होने की बात मैं आपसे कर रहा था वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि कौन से वेरिएंट पे कितने क्या प्राइस कम हुए हैं या कितने प्राइस बढ़े हैं। बाकी पैसा आपका है, चॉइस आपकी है, जो गाड़ी इस सेगमेंट में आपको पसंद हो वो आप अपने लिए चुन सकते हैं। तो भाई यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।